अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं एन इंडियन यूट्यूबर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूटीआई एप्लीकेशन से हम किस तरीके से अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है वो NSDL के पैन कार्ड का स्टेटस किस तरीके से चेक करते हैं उसके ऊपर बनाई गई है, और इस वीडियो में हम यूटीआई पोर्टल के द्वारा आपको बताएंगे किस तरीके से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका पैन कार्ड डिस्पैच हुआ, प्रोसेसिंग में है, पेंडिंग में है, वो सब एप्लीकेशन जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपको शो हो जाएगा। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद में आपको टाइप करना है यूटीआई पैन कार्ड स्टेटस और सर्च कर लेना है और इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटीआई का लोगो लगा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर है या पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा में फिल करना है। चलिए हम यहाँ पर आपको फिल करके दिखाते हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। और इसके बाद में कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ दिखा रहा है ये नो रिकॉर्ड फाउंड। चलिए दूसरी एप्लीकेशन का नंबर डालते हैं। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालते हैं दूसरे एप्लीकेशन नंबर की। और इसके बाद में यहाँ कैप्चा फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन नंबर शो होगा, एप्लीकेशन टाइप शो होगी और एप्लीकेंट नेम, स्टेटस। स्टेटस में जैसे ही हमारे में दिखाया गया है पैन कार्ड भेज दिया गया है यानी डिस्पैच हो चुका है, और ई पैन कार्ड जो है वो भी हमारी ई मेल आईडी पर भेज दिया गया है। तो इस माध्यम से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि यूटीआई पोर्टल पर बना हुआ पैन कार्ड किस तरीके से चेक होता है। चलिए दूसरा एक बार और आपको करके दिखाते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। हमारे पास एक दूसरा टोकन नंबर है, हम उसे डालते हैं। जैसे ही और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। और इसके बाद में कैप्चा फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि उस केस में डिस्पैच हो चुका था, और यहाँ पर आप देखिए इस वाले केस में एप्लीकेशन इज़ वेरीफाइड एंड इज़ अंडर प्रोसेसिंग, यानी कि ये जो एप्लीकेशन थी ये मैंने कल डाली थी और आज ये वेरीफाइड हो चुकी है और ये अभी प्रोसेसिंग में है, अभी वर्क चल रहा है। 2-3 दिन में यहाँ पर ये सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि ई पैन कार्ड भेज दिया गया है, और लगभग 10 से 12 दिन में ये डिस्पैच हो जाता है। और यहाँ पर आपको यूटीआई का लोगो दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका पैन कार्ड का स्टेटस क्या है क्या नहीं। इससे पहले मैंने NSDL के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई थी, वीडियो में उसमें बताया गया था किस तरीके से चेक होता है NSDL का पैन कार्ड अगर आपने बनाया है या उसमें कोई बदलाव किया है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर इसमें कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आप आसानी से उस लिंक पर पहुंचकर अपना पैन कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं, NSDL का भी और UTI का भी।
और वीडियो की लास्ट स्क्रीन पर भी मैं दोनों के लोगो लगा दूंगा, जिससे कि आप उस पर क्लिक करके आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।